नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज भाई अपने फ्रेंड्स के घर जाके अपने हाथों से मछली पकड़ के घर लाए। बहुत ही ताज़ा और खूबसूरत मछलियाँ थी। देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उतना ही टेस्टी था। लाते ही मैं मछली काटने बैठ गई। इतने ताज़ा मछलियाँ थी कि काटने में भी बहुत मज़ा आया। ये मछली में ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, सिंपल तरीके से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके पहले भी एक दिन वो पकड़ के लाए थे तो बहुत ही टेस्टी लगा था, बिल्कुल वही मछली। मछली अगर ताज़ी हो तो ग्रेवी अपने आप ही टेस्टी बनता है। इतनी ताज़ा मछलियाँ अगर आप सिंपल फ्राई करेंगे तो भी टेस्टी लगेगा। मेरे पापा को, मुझे, मेरे भाई को, तीनों को फिशिंग का इतना शौक है कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतने सारे मछलियाँ पकड़ के लाए। अभी मैं मछलियाँ काट के अच्छी तरह से धो के नमक हल्दी डाल के रखी हूँ बाद में फ्राई करने के लिए। सुबह उठ के मैं गार्डन चली गई। बहुत दिन से गार्डन में नहीं गई तो देखा कि डोलो मिर्च दो चार और भी हुए। ये मेरा मालाबार स्पिनेच भी है। चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं। अभी बारिश हुआ इसलिए काफी फूल आता है। अभी आज सुबह सुबह मैं डॉक्टर के पास गई। कल रात को थोड़ा सा बुखार और जुकाम जैसा हुआ था इसलिए मैं डर गई, तो डॉक्टर के पास जाके मैं कुछ दवाई ले आई। आते ही मैं जल्दी जल्दी किचन चली गई। वहाँ पे मैं करेला फ्राई और दाल बनाई सुबह का नाश्ता के लिए। फिर जल्दी जल्दी मैं नाश्ता करने बैठ गई। लिया करेला फ्राई, दाल और आलू। ये सिंपल खाना है, मुझे सुबह सुबह अच्छा लगता है। फिर मैं दोपहर के लिए अंडा बनाने की सोची और दाल जो था उसको मैंने फिर से उबालने दिया और उसमें थोड़ा सा मालाबार स्पिनिच फ्राई करके डाल दिया। इससे बहुत ही टेस्टी बना। ये मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो चुका है। अब इसमें जाएगा साबुत जीरा, तेज पत्ता, आलू, नमक और थोड़ा सा, मुझे लगता है तेल कम हो गया इसलिए थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया। अब इसमें जो मिक्सी में मैंने अदरक लहसुन और प्याज को मैंने पीस लिया था वो डाल दिया और थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर। अब दिया मैंने हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा घी। मसाला फ्राई हो चुका है। अब डाल चुकी हूँ मैंने पानी। अभी उबाल आ चुका है। मैं डाल रही हूँ अंडा। आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला। हो चुका है मेरा अंडा करी। अब कढ़ाई में तेल डाल के मैं आज मछली का एक यूनिक डिश आपको दिखाऊंगी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का वन ऑफ द फेवरेट डिश थे।
ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। पहले मछली को तेल में डाल के हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई हो चुका है, अभी कढ़ाई से निकालना पड़ेगा। पांच फोरन बनता है पांच अलग अलग मसाले से, कलौंजी, साबुत जीरा, मेथी, सौंफ और राधुनी बंगला में जैसे कहते, ये मिलाकर। पांच फोरन देने के बाद इसमें मैं पानी में हल्दी मिलाकर रखी थी वो डाला, फिर डाला मिर्च और नमक। अब थोड़ी देर ढकना पड़ेगा। ये करीब करीब हो चुका है, अब इसमें जाएगा मछली। ये आप बनाने की बहुत ही आसान तरीका है। टैगोर जी ये बहुत ही अच्छा खाते थे। अब थोड़ी देर मैं ढक के रखी, हो चुका है अब मेरा फिश करी। अब मैं बनाई साग। ये चार पांच किस्म का साग मैंने अपने घर से ही ये तोड़ा, फिर उसको लहसुन देके बनाया। हो चुका है मेरा साग भी। अब मैं देखी, मैंने दो तीन दिन पहले पूजा के लिए कुछ केला लाई थी, वो सब पक गए और कुछ कुछ तो सड़ने भी लगा था। मैंने सोचा इससे कुछ बनाया जाए, मैंने बनाना मिल्क शेक बनाने की सोची। ये बनाने के लिए मुझे लगा काला नमक, चीनी, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी पाउडर दूध, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और थोड़ी सी दूध, अब मिक्सी में देने के बाद ये हुआ तैयार। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू की पत्ता दे देती हूँ और थोड़ा सा दूध डाल के इसका जो गाढ़ापन है उसको कम कर देते हैं। अब अच्छी तरह से मिलाकर ये रहा तैयार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।